Question number 21. From the following balances, prepare final account of Mr. Raja and Sons for the year ended 31st March 2019. Salary, indirect expenses, PL account, insurance, 2500, cash, 400, purchases, ट्रेडिंग का आइटम है 84,170। रेंट के साथ जब रिसीव वर्ड लग गया तो पीएल अकाउंट क्रेडिट में जाएगा 3,150। ड्राइंग कैपिटल से माइनस होता है 2,100। बिल्स पेबल लाइबिलिटीज हैं, बैलेंस शीट में जाएगा 3,900। डेटर एसेट्स है 38,080, एसेट्स में जाएगा। स्टॉक 1 अप्रैल 2018 ओपनिंग स्टॉक है 29,500। ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटीज़ हैं 9,700। कैरेज, ओनली कैरेज दिया हुआ है तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाएगा, अगर कैरेज आउटवर्ड है तो पीएल अकाउंट के डेबिट में जाएगा। क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज़, ट्रेड एक्सपेंसेस पीएल अकाउंट डेबिट 4,900। सेल्स रिटर्न, टोटल सेल्स से माइनस हो जाएगा 4,700। मशीनरी बैलेंस शीट एसेट्स 12,000। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट 45,000। सेल्स 1,47,200, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। परचेज रिटर्न ये लेस हो जाएगा टोटल परचेज से। कैपिटल 58,900, ये बैलेंस शीट लाइबिलिटीज में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में है 36,200। ये है हम लोगों का क्वेश्चन और इससे हम लोगों को ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाना है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट्स डेबिट क्रेडिट। देन शुरू करते हैं। टू परचेज 84,170 माइनस परचेज रिटर्न 3,900, बाहर में 80,270। ओपनिंग स्टॉक 29,500, कैरेज 2,200, वेजेस 45,000। दिस साइड सेल्स, टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, आउटर कॉलम 1,42,500। क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में होने से ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में और बैलेंस शीट के एसेट्स में आता है, तो बाय क्लोजिंग स्टॉक 36,200। दिस टोटल माइनस दिस टोटल, आंसर 21,730। टू ग्रॉस प्रॉफिट सी डी एंड जस्ट इसके नीचे बाय ग्रॉस प्रॉफिट बी डी 21,730। देन पी एल अकाउंट डेबिट साइड टू सैलरी 5,400, टू इंश्योरेंस 2,500, टू ट्रेड एक्सपेंसेस 4,900। दिस साइड बाय रेंट रिसीव 3,150। इस टोटल को किए 24,880 माइनस दिस टोटल 12,080। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल। अब ये जो 12,080 है ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। देन बैलेंस शीट कैपिटल 58,900 माइनस ड्राइंग 2,100 प्लस नेट प्रॉफिट 12,080, तो मेरे आउटर कॉलम में आएगा 68,880। देन बिल्स पेबल लाइबिलिटीज में जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट ये भी लाइबिलिटीज होता है, क्रेडिटर लाइबिलिटीज है, एसेट साइड में कैश, डेटर, मशीनरी, क्लोजिंग स्टॉक, टोटल करते हैं 86,680 और इधर भी 86,680। यानी कि मेरा बैलेंस शीट में सभी आइटम सही सही पोस्टिंग है, ट्रेडिंग पीएल में भी सारा सही है, इसलिए मेरा बैलेंस शीट जरूर टैली करेगा। और अगर टैली नहीं कर रहा है तो एक बार फिर से इसको सर्च करना चाहिए। थैंक यू।